तो हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ प्रीमियर प्रो ट्यूटोरियल्स। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पार्ट टू के बारे में प्रीमियर प्रो का। तो पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लो, क्योंकि पार्ट वन में मैंने आपको सब एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था और क्यों प्रीमियर प्रो आपके लिए बेस्ट है ये भी बताया था, फॉर लर्निंग और फॉर प्रोफेशनल यूज ऑल्सो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देखिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीमियर प्रो के बारे में, बेसिक टूल्स और बेसिक एडिटिंग के बारे में, बेसिक वर्क फ्लो क्या होता है, बेसिक लेआउट क्या होता है, उन सब के बारे में आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको प्रीमियर प्रो डाउनलोड करना है, क्योंकि आप प्रीमियर की मतलब प्रीमियर की ऑफिशियल वेबसाइट से भी कर सकते हैं, और बाकी तो तुम जानते ही हो कि कैसे डाउनलोड करना है। और इफ़ यू विल डाउनलोड इट फ्रॉम द एडोब वेबसाइट, यू विल सपोर्ट द डेवलपर्स, और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो डिस्काउंट भी मिलेगा आपको अच्छा खासा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सबसे पहले एडोब प्रीमियर प्रो को ओपन करते हैं। तो आई हैव प्रीमियर प्रो 2020 एंड इफ यू will buy it, you will also get the latest version. But मैं suggest करता हूँ आप latest version ही use कीजिए, क्योंकि latest version में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पुराने सारे versions के आप project Premiere Pro 2020 में use कर सकते हैं, but Premiere Pro 2020 के projects आप पुराने versions में use नहीं कर सकते, उधर आपको दिक्कत आएगी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ लेटेस्ट वर्जन ही यूज़ कीजिए हमेशा, क्योंकि इट्स अ कोलेबरेटिव वर्ल्ड वीडियो एडिटिंग इस, आपको दूसरे लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलता है आपको, पहले जो स्क्रीन थी उसको चूज तरह का, और उसके बाद आपको नए प्रोजेक्ट पर क्लिक करना, आपको कुछ इस तरह की न्यू प्रोजेक्ट विंडो मिलेगी जिसमें आप लाइक प्रोजेक्ट का नाम देख सकते हैं, लाइक आई विल डू दैट। तो यार सब्सक्राइब कर लिया कन्या जी को, स्पेलिंग गलत होगी मुझे नहीं पता। तो यार अब मैं कुछ तुमको एक कुछ खास चीज़ बता देता हूँ, अगर तुम्हारे कंप्यूटर में जीपीयू है तो यू विल सी ओपन मतलब जीपीयू एक्सेलरेशन का ऑप्शन तुम्हें मिलेगा, ठीक है, और नहीं है तो सॉफ्टवेयर ओनली का वर्जन ही मिलेगा तुम्हें। एएमडी का जीपीयू है तो ओपन सीएल मिलेगा, और एनवीडिया का है तो क्यूडा मिलेगा, सीयूडी है, ठीक है। बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी, अगर है जीपीयू है तो जीपीयू एक्सेलरेशन को ऑन जरूर करना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ओके कीजिए इसको। यू विल सी यू विल बी ऑन दी एडोब प्रीमियर प्रो, इट टेक्स टाइम इफ यू डोंट हैव एसएसडी। तो सबसे पहले आप प्रीमियर प्रो ओपन करते हैं, आपको इस तरह का वर्कस्पेस मिलेगा। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ बता दूँ इसके बारे में, तो ऊपर आपको ऊपर की साइड आपको देखने को मिलेगा फाइल, एडिट, क्लिप, सिक्वेंस, मार्कर, ग्राफिक्स, व्यू, विंडो, हेल्प, ऑल दैट शिट। एंड इसमें से आपकी काम की सिर्फ दो ही चीज़ें, फाइल और एडिट, बाकी सब टट्टी है, मुझे तो काम नहीं है अभी तक। तो लाइक फाइल ओपन करते हैं, आपको मिलेगा न्यू ओपन प्रोजेक्ट एंड आई थिंक या सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब खुद ही बता देंगे। न्यू में आपको न्यू प्रोजेक्ट सीक्वेंस कुछ भी कर सकते हो, प्रोजेक्ट एंड ऑल दिस शिट एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। एडिट में आपको कीबोर्ड शॉर्टकट्स और प्रिफ्रेंसेस, मेक श्योर यू हिट द कीबोर्ड शॉर्टकट्स, क्योंकि कीबोर्ड शॉर्टकट्स एक बार आप देखिए, क्योंकि ये बहुत काम आएंगे आपको एडिटिंग में, शॉर्टकट्स बहुत काम आएंगे, सही कह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो बाकी यार एडिटिंग वर्कस्पेस की, तो सबसे जैसे आप प्रीमियर प्रो फॉर द फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे ना, आपको यहाँ पे कुछ ट्यूटोरियल्स देखने को मिलेंगे प्रीमियर प्रो के, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, और यहाँ पे सोर्स विंडो, आपकी प्रोग्राम विंडो, टाइमलाइन, टूल्स एंड ऑल दैट, मीडिया ब्राउजर हियर, बट असेंबली योर मीडिया ब्राउजर हियर, प्रोजेक्ट में आपकी जितनी भी फाइल्स है वो सब आपको यहाँ पे मिलेगी एडिटिंग में। मतलब आप समझ ही सकते हो कि हर एक चीज़ अपने आप को एक्सप्लेन कर रही है, लाइक असेंबली में आप सबको सीक्वेंस में अरेंज करेंगे, ठीक है, एडिटिंग में आप उसको एडिट करेंगे, कलर में आप उसके कलर से छेड़खानी करेंगे, इफेक्ट्स में आप इफेक्ट अप्लाई करेंगे, ऑडियो में आप ऑडियो करेंगे, और ग्राफिक्स में आप उसमें टेक्स्ट वगैरह कुछ भी ऐसा कुछ काम करेंगे, और लाइब्रेरी में एडोब क्रिएटिव क्लाउड से आप कुछ भी इम्पोर्ट वगैरह कुछ भी फोन वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। लाइब्रेरीज मतलब वो मतलब एडोब की क्रिएटिविटी को आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब उस तरह से। तो मैं मोस्टली एडिटिंग वाले वर्क फ्लो को यूज़ करती हूँ फॉर माई मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, लाइक इट्स लाइक होम फॉर मी, समझे। बट आपके लिए अलग अलग, आपको आपके लिए कुछ और भी हो सकता है, यू कैन ऑल्सो रिसाइज दी पैनल्स विच यू वॉन्ट बिगर एंड विच यू वॉन्ट शॉर्टर, लाइक इफ यू क्लिक ऑन दिस लाइन, ये क्लीवेज है, इस क्लीवेज मतलब चाहे दोनों विंडोज सेपरेट हो रही है, इसको क्लिक करेंगे तो आप
इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, साइज मैटर्स एंड यस इट मैटर्स, सो ऑल दैट शिट बड़ी छोटी भी कर सकते हैं, लाइक मुझे टाइमलाइन बड़ी चाहिए ठीक है, और इफ़ यू वांट डैट कि ये टाइमलाइन ऊपर होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग होनी चाहिए नीचे होनी चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हैं, लाइक इफ़ यू टाइमलाइन आपकी इधर आ गई और ये पता नहीं क्या आया, तो लाइक ऑडियोमीटर्स इधर क्या होगा पे, कुछ इस तरह से आप उसको आगे रिसाइज कर सकते हैं ठीक है। तब बात की जाए कि कैसे करेंगे आप इसको, हम कैसे करेंगे, लाइक वी हैव लेट्स इंपोर्ट अ वीडियो ठीक है, फॉर यू पीपल्स लेट्स एडिट अ वीडियो फॉर यू गाइस, आई हैव दिस वीडियो एंड तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं मैंने मीडिया ब्राउज़र से लिया है, और इस मीडिया ब्राउज़र की मदद से आप अपने कंप्यूटर की तीनों ड्राइव्स की डायरेक्टरी में आप वीडियोस को प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं। इट विल टेक सम टाइम बिकॉज आई हैव अ हार्ड ड्राइव, इफ़ यू हैव SSD इट विल बी लाइक स्मूथ। आई होप इट वॉन्ट क्रैश बिकॉज प्रीमियर प्रो इज वन फ्रो इज क्रैशिंग इफेक्ट्स, इम्पोर्ट इट मैन। हाँ तो गाइस इंपोर्ट हो चुकी है वीडियो, तो आप देख सकते हैं वी हैव दिस, ये है हमारी टाइमलाइन, और इसी को हम सीक्वेंस के नाम से भी जानते हैं, सीक्वेंस मतलब टाइमलाइन ही कह सकते हैं आप अपने प्रोजेक्ट की, जो सीक्वेंस होती है पहले कौन सी वीडियो बाद में कौन सी वीडियो बाद में कौन सी वीडियो, लाइक फर्स्ट वीडियो सेकेंड वीडियो ऑल दैट शिट, एंड अगर आपको एक नई सीक्वेंस चाहिए तो वह भी आप ऐसे दे सकते हैं सिंपली, लाइक वी हैव द प्रोजेक्ट, मैन आई हेट दिस नॉट रेस्पॉन्ड, वी हैव द प्रोजेक्ट बनिया जी सब्सक्राइब बन जाते ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसको न्यू आइटम को क्लिक करेंगे तो यू विल सी डिफरेंट ऑप्शंस लाइक सीक्वेंस प्रोजेक्ट शॉर्टकट ऑफलाइन फाइल एडजस्टमेंट लेयर ऑन एंड ऑल दैट, आई क्लिक ऑन द सीक्वेंस ओके आई विल हैव अ न्यू सीक्वेंस, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रीसेट्स मिलेंगे सीक्वेंस के, तो आप वो भी ले सकते हैं, लाइक ये प्रीसेट है किसके, ये कैमराज के प्रीसेट है जिसमें आपको 1920x1080p 1440p 2K 4K एंड फ्रेम रेट 1024 फ्रेम्स टू 1000 फ्रेम्स पर सेकेंड सब तरह के प्रीसेट मिलेंगे, आप वो प्रीसेट यूज़ कर सकते हो फॉर दिस सीक्वेंस, जो कि आपके वीडियो के मीडिया डेटा को सेम करें, मतलब लाइक सेम और सिमिलर लो ठीक है, बट आई डोंट सजेस्ट दैट बिकॉज एवरी कैमरा हैज़ अ डिफरेंट सेटिंग ठीक है, और हर वीडियो की डिफरेंट सेटिंग्स होती है, तो सिंपली आपको वीडियो को सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है टाइमलाइन के ऊपर एंड सीक्वेंस विल ऑटोमेटिकली क्रिएटेड ठीक है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं वीडियो 2020 2011 इसमें आपकी सीक्वेंस बन चुकी है ठीक है, तो आप यू कैन क्लियरली सी दैट वी हैव दिस। आप बात कीजिए ये प्रोग्राम विंडो का, इसमें आपको टाइमलाइन पे जो भी वीडियो उसका आउटपुट यहाँ पे दिखेगा, ये आपका प्रोजेक्ट है इसमें हमने जो भी वीडियो इंपोर्ट कराई वो आपको यहाँ पे दिखेगी, और जो वीडियो आपके टाइमलाइन के ऊपर उस पर आपको ये सीक्वेंस का ऑप्शन दिखेगा ठीक है, और ये आपको ऑडियो मतलब ऑडियो का बताता है, ये जो भी कह सकते हैं आपको सिंबल ये ऑडियो बताता है और ये वीडियो बताता है, मीन्स इट हैज़ सिंक ऑडियो, सिंक ऑडियो मतलब वीडियो और ऑडियो दोनों सिंक है एकदम ठीक है। नाउ लेट्स मूव अबाउट सम टूल्स, ये आपको देख सकते हैं कर्सर, इस कर्सर को बोलते हैं सिलेक्शन टूल, लाइक इस सिलेक्शन टूल की मदद से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर, और उसके बाद ये है रेजर टूल, इसकी मदद से आप कुछ कट कर सकते हैं, लाइक इफ यू वांट टू कट द वीडियो, वीडियो हैज बीन स्प्लिटेड इनटू टू वेज, नाउ यू कैन अगेन यूज द सिलेक्शन टूल एंड नाउ वी हैव टू मूव दिस वीडियो हियर हियर अपर इट एंड ऑल दैट स्टफ ठीक है, and here is the text tool, like I want to write something on this video, so I just created the काफ़ी यहाँ पे so if you just click here and you can see a red square rectangle here, and if you will type something on that you will then see
हाँ सो आप देख सकते हैं मैंने अभी लिखा है सब्सक्राइब बन जाती तो वो भी यहाँ पे आ गया है ठीक है। और नाउ यू कैन सेलेक्ट दिस सिलेक्शन टूल अगेन सो दैट यू कैन रिसाइज इट। ऐसा है कबिया जी नहीं बनिया जी था यार ये गलत हो गया भाई। हाँ तो यू कैन ऑल्सो रिसाइज इट एंड करेक्शन भी कर सकते हो आप, बहुत कुछ कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, उसकी फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हो, वो भी हम आपको आने वाली वीडियोस में बताएंगे। बट फिलहाल तो यही था, आप इसको सब्सक्राइब इस टेक्स्ट वाली सीक्वेंस को भी आगे कहीं पर ला सकते हो लाइक दिस एंड फॉन्ट चेंज कर सकते हो, बेसिकली कुछ भी कर सकते हो ठीक है। नाउ लेट्स डिलीट इट बाय प्रेसिंग सिलेक्टिंग इट एंड डिलीटिंग बाय द प्रेसिंग डिलीटिंग बटन। माय वॉइस इज लाइक शिट, आई डोंट नो इंग्लिश एंड व्हाई आई एम स्पीकिंग इंग्लिश आई डोंट नो, बट तुम सब्सक्राइब होता है प्लीज। हाँ तो यार ये होने के बाद अब बात करते हैं सीक्वेंस के ऊपर ठीक है। सीक्वेंस में आपको देखने को मिलेंगे कुछ ये ऑप्शंस, ये है स्नैप इन टाइमलाइन मतलब मैग्नेट के लिए, अगर आप इसको हटा देते हैं तो मतलब आप चाहे इसको छोड़ेंगे वही आ जाएगा। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो जिससे आप इस वीडियो को थोड़ा सा पास लाएंगे इससे जस्ट आगे वाली वीडियो के लिए तो एकदम चिपक जाएंगे लाइक दे विल स्नैप एंड यू कैन सी एनीथिंग बिटवीन देम ठीक है। तो और ये है बटन लिंक्ड सिलेक्शन के अंदर, आप इसको क्लिक करेंगे तो वीडियो और ऑडियो एक साथ सिलेक्ट होगी। अगर इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे तो खाली आप जिस पर क्लिक करेंगे वही सिलेक्ट होगी लाइक आई हैव सिलेक्टेड दी ऑडियो एंड दिस हैज हैपन, ऑडियो पीछे चली गई वीडियो आगे चली गई दैट काइंड ऑफ स्टफ। सो इट्स माई पर्सनल प्रेफरेंस कि आप इसको इसको और इसको हमेशा ऑन रखिए ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस भी है लाइक वीडियो 3 वीडियो 2 V1 एंड ऑल दैट स्टफ। सो आप जिस पर क्लिक करेंगे दैट विल बी एक्टिव एंड जो भी ब्लू होगी मतलब जिस पर आप क्लिक करेंगे वो एक्टिव होगी ठीक है। जैसे अभी V1 और A1 पे मैंने क्लिक कर रखा है और ये दोनों का ऑप्शन जो है ब्लू है, और अगर अब मैं कोई भी वीडियो इंपोर्ट करूँगा या ऑडियो इंपोर्ट करूँगा तो दे विल बी इन दिस चैनल ओनली, ये जो भी दोनों चैनल है इनमें ही आएगी वो। अगर मुझे ऑडियो 3 में चाहिए तो मुझे ऑडियो 3 को पे क्लिक करना पड़ेगा और जो भी मैं ऑडियो इंपोर्ट करूँगा वो ऑडियो 3 वाले इस चैनल में आएगी ना कि ऊपर वाले चैनल में आएगी ठीक है। ये सब आपको लग रहा होगा भाई ये क्या चीज़ है इसकी हमें ज़रूरत क्या है, बट जब आपके पास हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल फाइल्स होगी जिनको मिला के आपको एक बड़ी वीडियो बनानी होगी तब इट विल वर्क, क्योंकि उसके उस टाइम आपका जो फाइल्स के जो ऑडियो होंगे वो ओवरलैप करेंगे और आपकी एक गलती छोटी सी गलती पूरे प्रोजेक्ट को बिगाड़ सकती है पूरे ऑडियो को। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे किसी गलत चीज़ को सिलेक्ट कर लिया तो जैसे आप कोई वीडियो इंपोर्ट करेंगे तो उसकी ऑडियो विल बी इन दी डिफरेंट चैनल एंड इट विल बी ओवरराइटेड फ्रॉम मतलब उस वीडियो के जो ऑडियो है वो दूसरे वीडियो के ऑडियो पे ओवरराइट हो जाएगी एंड इट विल बी अ फकिंग मैस, समझ रहे हो आप। तो बस इतना ही था लाइक अब मैं आपको बताते तो कुछ इन पैनल्स के बारे में। सबसे अच्छा पैनल है कलर का, तो इफ यू सिलेक्ट कलर पैनल ठीक है, कलर पैनल आपने सिलेक्ट किया उसके बाद आपने क्लिप सिलेक्ट करी तो ऑटोमेटिकली क्लिप के ऊपर ल्यूमेट्री कलर का इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। ल्यूमेट्री कलर इज दिस एंड ठीक है, इसकी मदद से आप वीडियो में कलर्स के साथ खेल सकते हैं लाइक आई वांट टू ऐड समथिंग इन इट, तो लाइक पहले आप इस कुछ लर्ट्स भी यूज कर सकते हैं लाइक दिस इफ आई हैड एलेक्सा का लर्ट यूज कर लिया और यू कैन क्लियरली सी दैट समथिंग हैज वीडियो हैज बीन चेंज अलॉट मीन्स अलॉट डायनेमिक रेंज एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ हैज बीन चेंज्ड, समझे। तो नाउ इफ यू वांट टू एक्सपोर्ट इट, नाउ यू हैव एडिटेड एंड अरेंज्ड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, नाउ यू वांट टू एक्सपोर्ट इट, नाउ हाउ विल यू डू दैट, बाय सिंपली लाइक कंट्रोल प्लस एम और यू कैन गो ऑन द फाइल एंड क्लिक एक्सपोर्ट एंड इट विल डू द सेम थिंग। जैसे आपने कंट्रोल प्लस एम दबाया है उसके बाद आपको कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी, रेंडरिंग हो रही है क्योंकि मैंने अभी ल्यूमेट्री पैनल से इफेक्ट अप्लाई कराया है इसलिए। तो एज यू कैन से दिस इज अ 4K क्लिप बाय 3840 एंड 2160, दिस इज अ 4K क्लिप एंड आई हैव हार्डवेयर एनकोडिंग
because I have a discrete GPU for this. Just simply export it and write the name here. Choose the folder like in which you want to export it, and just click export, and your file will be exported. तो गाइस ये थी हमारे प्रीमियर प्रो की सिंपल वीडियो, जिसमें मैंने आपको वीडियो इंपोर्ट करना, वीडियो एडिट करना और वीडियो एक्सपोर्ट करना सिखाया. मतलब एडिट में सिंपली लाइक सिलेक्शन टूल और रेजर टूल, दिस थिंग्स ये बहुत ही काम के टूल है दोनों. मेजरली ये दोनों टूल ही आपके काम आएंगे, क्योंकि आप एक बिगिनर हो, आप इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. जब तक आप प्रीमियर प्रो पे 100 घंटे की वीडियो एडिटिंग नहीं कर लेते, मतलब 100 घंटे की वीडियो एडिट, मतलब 100 आवर्स ऑफ वीडियो एडिटिंग यू हैवंट स्पेंट ऑफ प्रीमियर प्रो, यू कैंट बी एक्सपर्ट इन इट. समझे, इसमें इतनी सारी चीज़ें ना कि आपको एक साथ आपको सीख भी नहीं सकते. लाइक आपको इन सब की ज़रूरत पड़ेगी अलग अलग प्रोजेक्ट में, और ये आपको खुद ही सीखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें मतलब कि आपको यूज़ कर करके ही आएगी. समझ रहे हो आप, हमसे आप बेसिक सिखा सकते हैं, ठीक है. मतलब हम आपको कुएं के पास ले जा सकते हैं, पर कुएं से पानी तो आपको ही पीना पड़े. तो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से. मेक श्योर यू हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन. अगर आपके किसी भाई बंधु को वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो ये वीडियो प्लीज़ उसको भी शेयर कर देना. थैंक्स अ लॉट फॉर टुडेस वीडियो. बाय बाय. जय हिंद, जय भारत. और सब्सक्राइब कर लेना, बन जाए.